कल हम लोग अभ्यास एक के स्टेप फाइव पर डिस्कशन कर रहे थे। अभ्यास एक में हम स्वयं द्वारा स्वयं को अर्थात चैतन्य द्वारा चैतन्य को देखने का अभ्यास कर रहे हैं, और इसके स्टेप वन पे हमने अपनी कल्पनाशीलता के प्रति और उसमें मुख्य रूप से अपने भाव के प्रति सजग होने का अभ्यास किया, बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिक्रिया किए, बिना कोई बदलाव किए, जैसा है उसको वैसा देखने का अभ्यास किया। स्टेप टू में हमने फिर उसका मूल्यांकन किया और इस बात को जांचा कि जो मेरे अंदर भाव है मुझे सहज रूप से स्वीकार है कि नहीं। दूसरी तरह से देखें तो ये मानवीय स्वभाव का रूप है कि नहीं, या यूं कहें कि मैं इसकी निरंतरता चाहता हूं कि नहीं। तो हमने इस बात को ऑब्जर्व किया स्टेप टू में। स्टेप थ्री में हमने अपनी स्थिति को देखा कि इस भाव के साथ मेरी स्थिति सुखद है या नहीं। स्टेप फोर में फिर हमने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो भी मेरे अंदर भाव है उसका निर्णय कौन लेता है, मैं स्वयं, बाहर की कोई परिस्थिति या कोई अन्य व्यक्ति। तो थोड़ी जांच परख से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो भी मेरे अंदर चल रहा है वो तो मेरा ही निर्णय है, मेरी ही जिम्मेदारी है, और जो मेरे अंदर चल रहा है उसी में सुख है दुख है। तो इससे दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले, है ना। एक तो ये कि मुझे अपने ऊपर काम करना है, अगर मैं निरंतर सुख की स्थिति में नहीं हूँ तो मुझे अपनी योग्यता को बढ़ाना है, मुझे अपने ऊपर काम करना है। दूसरा, जो भी मेरे अंदर घटित हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ, अपने सुख दुख के लिए। तो मैं दूसरों के प्रति शिकायत से मुक्त होता हूँ। अगर कोई दुख है मेरे अंदर तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी मेरी है, दूसरे की नहीं। इसी क्रम में हम लोगों ने एक अभ्यास भी किया कि हम जो भी ऐसे व्यक्ति लगते हैं अपने लाइफ में जिनके प्रति हमारे अंदर कोई शिकायत का भाव बना हुआ है उसको हम नोट कर लें, है ना, उस पर हम लोग काम करें कि वहाँ पे वास्तविकता क्या है। अल्टीमेटली उस व्यक्ति के आचरण से मैं दुखी हूँ या उस व्यक्ति के आचरण को देख के मैंने अपने अंदर जो भाव का निर्णय लिया है उससे मैं दुखी हूँ। इसको उन्होंने स्टेप फोर में किया। स्टेप फाइव में अब इस बात को देखने का अभ्यास कर रहे हैं कि इस निर्णय का आधार क्या है, समझ या मान्यता। तो दिखता है अगर कोई मान्यता रहती है आधार में, और बहुत सारी मान्यताएं हो सकती हैं और इन मान्यताओं से हमारा गहरा गहरा संस्कार बन जाता है, अगर कोई मान्यता रहती है तो हमारे सुख की निश्चितता नहीं रहती, भाव की निश्चितता नहीं रहती, निरंतरता भी नहीं होती। और यदि समझ आधार में होता है तो उसमें निश्चितता होती है। इस बात को हम अपने आप में ऑब्जर्व करते रहे। इतनी चर्चा को लेकर यदि कल आपने कुछ और ऑब्जर्व किया हो, कल उन्होंने ये भी सोचा था कि अपने संस्कारों को ऑब्जर्व करें, तो पहले हम लोगों ने इस बात को देखना शुरू किया था कि अपने भाव को देखें, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि कहाँ कहाँ हमारे अंदर कोई शिकायत का भाव कोई है ना बना हुआ। अब हम उसके पीछे जाकर उसके संस्कार को भी देखने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेप वन में यदि हमें भाव को देखने में कठिनाई हो रही थी तो ये बात हुई कि विचारों को देखने शुरू करें, फिर विचार के पीछे भाव को देख सकते हैं उस विचार के प्रयोजन को देखते हुए। अब भाव के आधार में जो संस्कार है, जो हमने माना हुआ है, जिसके कारण हमारा निर्णय गलत हो रहा है, जिसके कारण हमारा भाव बिगड़ रहा है, जिसके कारण मैं आराम की स्थिति में नहीं हूँ, जिसके कारण मेरी स्थिति सहज रूप से स्वीकार नहीं है, भाव जो है सहज रूप से स्वीकार नहीं है, जिसको मैं निरंतरता नहीं चाहता हूँ, उसको देखना है, उसको लोकेट करना है। ये तो अपने आप में काफी गहरा काम है, अपने संस्कारों को देख पाना। आप आएंगे ओवरऑल तो कुछ चीजों को हम देख लेते हैं, कह देते हैं, परंतु उनको भी अगर हम संस्कारों को भी लेयर बाय लेयर देखना शुरू करेंगे तो बहुत सारे गहरे गहरे संस्कार मिलेंगे, है ना। मूल रूप से देखेंगे तो कहीं हम यहाँ फंसे ही रहते हैं कि या तो शरीर से मिलने वाली संवेदना से सुखी होना है या दूसरे से मिलने वाले भाव से सुखी होना है ना। और उसके लिए हम फिर बहुत सारा अपने अंदर चाहिए और नहीं चाहिए जैसे विचार बना के रखते हैं, बहुत तरह के तर्क बना के रखते हैं, बहुत तरह की आशा बना के रखते हैं। तो इस पर जब आप काम करने जाएंगे तो और गहरे में अपने को काम करने का अवसर मिलेगा, है ना। संस्कार क्या है और ये कैसे बनते हैं और उसको कैसे हम ये करेंगे, क्योंकि कई चीजें हम उसकी तरफ जाते हैं, अगर अगर देखे भी तो ही कई बार उसके तरफ आकर्षण रहता है, कि जैसे स्वाद से सुख पाना या ऐसी चीजें। तो ये संस्कार कैसे बनते हैं और उसको कैसे देख के रिजॉल्व किया जाए या बदला जाए, जी बढ़िया किसको बात है भैया। संस्कार कहेंगे, मतलब वो भी। तो देखिए, तो हमारे अंदर सुखपूर्वक जीने की आशा होती है और
उसमें भी हम निरंतर सुखपूर्वक जीने की आशा रखते हैं। तो निरंतर सुखपूर्वक जीना कैसा हो उसको लेकर हम बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं, भाई कम से कम शरीर तो चले तब तो सुखी होंगे। उदाहरण के लिए शरीर ही नहीं रहा तो फिर क्या पता सुखी हुए नहीं हुए, ये हमारे अंदर एक शंका रहती है। तो शरीर बना रहे, अब इसके लिए हमको दिखता है कि इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक तो शरीर के लिए आवश्यक सुविधा जुटाओ, ठीक है ना, कम से कम इतना तो करना पड़ेगा। दूसरे मनुष्य से बचा के रखो, प्रकृति से बचा कर रखो, तो फिर हमारे अंदर बहुत सारे गहरे गहरे संस्कार बन जाते हैं। उदाहरण के लिए है ना कि भाई कम से कम शरीर तो चले, तो हम अपने आप में देखेंगे तो हमारे लिए शरीर को चलाए रखना एक बहुत हाई प्रायोरिटी की चीज होती है संस्कार रूप में। जैसे हम लोग इतनी सारी बातें कह रहे हैं, ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, परंतु कभी पॉइंट पे लगे कि ज्ञान और शरीर को चलाने के बीच में चुनना हो तो किसको चुनेंगे? कि नहीं, तो शरीर चल जाए, ज्ञान तो अगले क्षण भी हो जाएगा कि नहीं। जी जी जी, तो जी। इस रूप में हम देखें अगर, तो शरीर को चला रखना है, शरीर को बनाए रखना है, उसको लेकर हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार बने रहते हैं। वैसे ही अपने सम्मान को बनाए रखना है जी, उसको लेकर बहुत सारे संस्कार बने रहते हैं। तो आप देखेंगे हम इन सब चीजों पे बहुत कॉशस भी होते हैं, बहुत सेंसिटिव भी होते हैं जी, और ये सब हमारे गहरे गहरे संस्कार हैं जी। तो, गहरी मान्यता, हमारी कुछ चीज की गहरी मान्यता जो हमारे आचरण को आचरण पर बहुत गहरा प्रभाव डालती है, जो हमें शायद दिखे भी नहीं, मगर है ना, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, मतलब संस्कार। हाँ, तो एक गहरा संस्कार है जैसे मुझे शरीर को बनाए रखना है, बचाए रखना है, ठीक जी, उसके लिए फिर और संस्कार निर्मित होते रहते हैं। तो शरीर को बनाए बचाए रखने के लिए क्या करना है जी, ठीक, फिर उसके आधार पर हमारे अंदर भाव तैयार होते रहते हैं। अगर कोई इसमें बाधा बन रहा है तो उसके प्रति भाव तैयार हो रहा है, कोई अनुकूलता प्रदान कर रहा है तो उसके लिए भी एक भाव बन रहा है, फिर उसके साथ पूरा विचार चल रहा है जी। तो वैसे देखिए तो संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व, हाँ, इनको लेकर ही जो कुछ हमने माना हुआ है वही सारे संस्कार हैं। अच्छा, तो हमने संबंध को अगर नहीं देखा है समझा है उसके लिए हमने कुछ मान लिया है, इकाई की स्वयं की व्यवस्था को नहीं देखा है समझा है, प्रकृति की व्यवस्था को नहीं देखा है समझा, उसके लिए कुछ मान लिया है जी, और उसको कनेक्ट किया हमने अपने सुखपूर्वक जीने की आशा के साथ, क्योंकि वो अपने में है ही, मतलब आशा वो जगी हुई है। हाँ, वो तो है ही। तो हमने मानव को नहीं समझा है बट सुखपूर्वक जीने की आशा बनी हुई है। तो जो मान लिया मानव बराबर शरीर, और शरीर को बचाए बनाए रखने के लिए ताकि हम कम से कम सुखपूर्वक जीने के लिए एक अवसर तो बना के रखें, हम बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं। वैसे संबंध को हमने नहीं समझा हुआ है तो, और उस संबंध में तृप्ति भी नहीं हो रही जी, बट हम संबंध में कुछ भावों की आशा रखते हैं, सम्मान मिले, विश्वास मिले, दूसरा हमें स्वीकारे, है ना, ये सब चीजों की आशा बना के रखते हैं जी। तो फिर उसके लिए हम बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं संबंध के बारे में कि भाई ऐसे लोगों से सम्मान नहीं मिलेगा यानी ऐसे लोग बुरे होते हैं, ऐसे लोगों से सम्मान मिलेगा यानी ऐसे लोग ठीक होते हैं, ऐसे लोग आपके लिए उम्र भर करेंगे ये मेरे अपने होते हैं, ऐसे लोगों का तो कोई पता ही नहीं ये सब पराये होते हैं, तो ऐसे हम बहुत सारी चीजों को मान लेते हैं और फिर उसके साथ हमारा भाव निर्मित होता रहता है, विचार चलता रहता है। बिल्कुल जी जी भैया जी भैया, तो ये देखने की प्रक्रिया से हमें धीरे धीरे ये दिखते जाएंगे और फिर हम जांच पाएंगे कि ये हमको सहज स्वीकृत है या नहीं संस्कार भी। हाँ बिल्कुल, तो हम संस्कारों के स्तर पर भी जाके देख सकते हैं क्या ये मेरे स्वभाव के अनुरूप है, मेरे धर्म के अनुरूप है, परम धर्म के अनुरूप है, वहां भी हम देख पाएंगे जी। तो हमने मान लिया कुछ ही, मानव क्या है पता नहीं, ठीक है ना जी, बट हमने कुछ मान लिया है। अगला मनुष्य क्या है पता नहीं, पेड़ पौधे क्या है, पशु पक्षी क्या है, हमें तो पता नहीं, पता क्या है अगर इसको आप देखेंगे तो पाएंगे बहुत छोटा सेट है, जो पता नहीं वो बहुत बड़ा सेट है जी। और हम उसके साथ जिए जा रहे हैं,
और हर क्षण जीना है, ठीक है ना। और भैया जैसे हम, जैसे ये हमने मान लिया कि मतलब बहुतांशी ये हमने मान लिया होता है कि शरीर मैं हूं, अब ये मान लिया कि मुझे शरीर को बचाए रखना है, मगर ये मानना कि मुझे शरीर को राइट यूटिलाइजेशन बचाए रखना है, ये तो स्वाभाविक है, राइट यूटिलाइजेशन के लिए बचा के रखना है और नर्चरेंस करना है उसका, तो ये एक मतलब ये भी एक संस्कार हो जाएगा क्या कि जैसे हम इसको ध्यान में रख के अगर हम अपनी सब आचरण करने की अभ्यास करें तो वो हम में एक संस्कार बन जाएगा क्या, मतलब वो उसको संस्कार, हाँ, वो भी एक संस्कार बन सकता है ना, बट यदि हमने सदुपयोग को समझा नहीं है तो कुछ गलती की संभावना रहेगी जी। इनफैक्ट ज्ञान के साथ ये होता है कि हमें जब दिखने लगती चीजें तो उसके लिए कुछ अलग से मानने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ऐसा ही है भाई, मैं शरीर नहीं हूँ दिख गया, इसके बारे में क्या अलग से माने, स्वीकृत हो गया ना। किसी भी चैतन्य निकाय को देखे, जितना विकास हुआ है उतना आचरण कर रहा है जी, कि हमने देख लिया उसकी स्वीकृति बन गई हमारे अंदर, तो उसमें क्षमता है ही, चाहना ठीक है ही, है ना, क्षमता की कमी भर है, हमने देख लिया तो उसके अलग से कोई विचार नहीं करना पड़ेगा, ये जो स्वीकृति बन गई ये भी मेरा संस्कार है जी। देखने के आधार पर, संबंध को देखने, व्यवस्था को देखने, अस्तित्व को देखने के आधार पर भी जो स्वीकृति बनी जी वो भी मेरा संस्कार है। तो मतलब ये अलग से ऐसा ज्ञान नहीं होगा, वो अपना एक अविभाज्य भाग हो जाएगा और फिर देखने की प्रक्रिया रहेंगी बस, मतलब नहीं फिर हम उसके आधार पर जिएंगे, उसको प्रमाणित करेंगे जीने में, है ना, प्रमाणित करेंगे, हमको दिख गया अब कल्पनाशीलता में वही सब चल रहा है जी, उसके आधार पर व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, शरीर चला रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं जी, है ना, हमें चीजें स्पष्ट है पूरी तरह से, मान्यता नहीं है ये, हम देख रहे हैं और आचरण कर रहे हैं, मतलब एक्सप्लोरेशन चालू है उस पे कंटिन्यूअसली इन द सेंस। नहीं नहीं एक्सप्लोरेशन तो आपका होमवर्क तो आपने कर लिया, अब दिख गया आपको, अभी तो आचरण जी रहे हैं, जी जी जी, उसके बाद जी रहे हैं, जी रहे हैं, आचरण चल रहा है जी जी भैया, सब अपने आप में बने हुए हैं, है ना। देखिए तो धीरे धीरे ऐसी स्थिति आने लगती है कि ये ब्लॉक B1 के एक्टिवेशन के साथ आप अपने आप में आराम में बने रहते हैं, है ना, जहाँ भागीदारी करनी उसके लिए विचार करते हैं, भागीदारी करते हैं, नहीं तो इसके आधार पर आपकी सारी क्रियाएं चलती रहती हैं जी जी जी। तो हम लोगों ने कुछ उदाहरण भी कर लिए थे, तो स्वयं में सही समझ का होना और समझ के आधार पर अपने भाव विचार का निर्णय कर पाना आवश्यक है। यदि मैं ऐसा कर पाता हूँ तो मुझ में हमेशा सहज भाव ही होंगे और हर क्षण संगीत में रहूंगा, सुखी रहूंगा, चाहे कि बाहर की परिस्थितियां अनुकूल हो या न हो। इसलिए सही समझ आवश्यक है उन सबके बारे में जिनसे मेरा संबंध है, जिनके साथ मैं जीता हूँ। मेरा संबंध संपूर्ण प्रकृति के साथ है, संपूर्ण अस्तित्व के साथ है, इसलिए मुझे संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण अस्तित्व को समझने की आवश्यकता है। जैसे भी चर्चा से निकल कर आया कि अल्टीमेटली मुद्दा है कि हमने संबंध को देखा नहीं है, व्यवस्था को देखा नहीं है, और इनके साथ जीना है मुझे और हर क्षण जीना है, क्या करें, कुछ मानेंगे ही, जो मान रहे हैं वही हमारी मान्यताएं बनती जा रही हैं, बार बार मान रहे हैं, एक ही तरह से मान रहे हैं, वो हमारे गहरे गहरे संस्कार बन जाते हैं, और अभी हम इतना भी नहीं कर पाते कि हम उसके आधार पर फैला के देख लें, चित्रित कर लें कि अगर ये ठीक है इससे मेरी जीवन का स्वरूप क्या होगा, इससे क्या मेरा सुख सुनिश्चित हो जाएगा, क्या संबंधों में तृप्ति हो जाएगी, ये सब हम देख भी नहीं पाते हैं, उतना दूर तक हम जाते भी नहीं। अभी आप देखें कि वर्कशॉप अटेंड करते हैं तब ये सब बात शुरू करते हैं हम कि ह्यूमन बीइंग है, सेल्फ है, बॉडी है, है ना, अदरवाइज बस जिए जा रहे हैं। जब ह्यूमन बीइंग की बात होती है तो कोई स्क्रिप्चर को हम ध्यान में ले आते हैं कि अच्छा हाँ वहाँ ये सुना था, कोई साइंस की बात ले आते हैं कि हाँ हाँ कुछ ऐसी बात हुई थी, बाकी हमारा पूरा ध्यान जो है बाहर की ओर रहता है, और उसमें भी अपने शरीर को कैसे चलाए रखें, शरीर से कैसे संवेदनाओं से सुख मिलता रहे, कैसे दूसरे से अनुकूल भाव मिलता रहे, इतने में व्यस्त रहते हैं, इसी में टारगेट सेटिंग कर लेते हैं, इसी को पूरा करते रहते हैं। तो कई बार कहते हैं कि व्यस्त है कि अस्त व्यस्त है, तो पहले व्यस्त रहते हैं, फिर धीरे धीरे अपनी मान्यताओं के कारण अस्त व्यस्त हो जाते हैं, पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ये
अपने आप में देखने की आवश्यकता है ना, बारीकी से। तो यह निर्णय करने की आवश्यकता है कि मनुष्य और मनुष्यतर प्रकृति के साथ जीने में मुझे कौन से भाव सहज स्वीकार है, ये अपने आप में है ना जांच परख के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए एक मुद्दा है। जी ठीक है, मान्यता नहीं बनाना और आचरण में ले आना एक ही बात है क्या? ये देखिए, आचरण में देखें तो आपका विचार भी है, व्यवहार भी है, कार्य भी है, भागीदारी भी है, शरीर का जो आप रख रखाव कर रहे हैं वो भी है, सारी बातें जुड़ी हुई। तो अगर हमको ज्ञान सुनिश्चित नहीं हुआ तो कुछ मान के ही तो सब करेंगे, और मानेंगे तो मान्यताएं बनेंगी ही। तो अपने पास यही चॉइस है कि हम जान लें, जब तक नहीं जानेंगे मानकर कुछ करना ही होगा, और बार बार करेंगे वही मान्यता का रूप ले लेता है, गहरी गहरी मान्यता हो जाती है। भैया मेरे मेरे एक थोड़ा कंफ्यूजन है, जैसे हमने ज्ञान को समझ लिया और अब हमें ये स्वीकार हो गया और हमारी अब हमारी मान्यता नहीं बनती और हम अब जीने में प्रमाणित करते हैं, तो ये B1 कंपोनेंट में साथ बने रहने की बात हो गई, पर हमें ये पता कैसे चलेगा कि क्योंकि अब तो वो आचरण में ना इच्छा है ना ना विचार है ना कोई कल्पनाशीलता है, तो हमें ये कब आभास होगा कि हम ज्ञान को समझ लिए? देखिए, ज्ञान आपको हुआ है तो आपको दिखेगा, आपको संबंध दिख रहा है, व्यवस्था दिख रही है ना, संपृक्तता दिख रही है, तो आपको तो दिखेगा, तो आपको तो पता रहेगा ही। और ऐसा नहीं उसके बाद इच्छा विचार आशा नहीं रहेगी, इच्छा विचार आशा इसके आधार पे चलेगी। तो अभी जहाँ हम एक परिवार को चलाने में ही थक जाते हैं, हम पूरे अखंड समाज के लिए योजना बनाएंगे, कार्यक्रम बनाएंगे, क्रियान्वयन करेंगे, उसके फल परिणाम को देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे, सारा कुछ करेंगे, तो इच्छा विचार आशा का हम और ठीक से सदुपयोग करेंगे, मानवीय परंपरा के अर्थ में करेंगे, ये रुक जाएंगे ऐसा नहीं है, बल्कि इनका आप सही ढंग से सदुपयोग होगा। जहां हम अभी अपने सुख के लिए इनको लगाए रहते हैं फिर भी पूरा नहीं होता, मेरा सुख सुनिश्चित हो गया, अब मैं दूसरों के सुख के लिए लगा रहा हूँ इसको। ठीक है भैया, तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा संबंध समझने लग गए, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी समझ आने लग गई है, तो वहां पर ये मान के चले कि ज्ञान आना शुरू हो गया है, ऐसा मान के चले? ये ज्ञान का मतलब बहुत निश्चित है, ये जो ब्लॉक B1 सामने दिख रहा है ना, उसका एक्टिव होना ज्ञान है, उसके पहले उसकी तैयारी है। तो इतना जरूर हो जाता है कि जब हम प्रस्ताव को सुनते हैं, जो पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो एक तो सारे शब्द हमको स्पष्ट होते हैं, तो उससे भी हमारे अंदर कुछ क्लैरिटी बनती है। फिर इसके बाद हम जीने को चित्रित करते हैं कि हाँ, अब मेरी परिवार में ये भागीदारी है, मुझे शरीर का ऐसे रख रखाव रखना है ना, ये मेरा लक्ष्य है, ये सभी का लक्ष्य है, ठीक, प्रकृति ऐसी है, तो हम उसको चित्रण में पूरा फैलाते हैं। इसका भी हमको बहुत तृप्ति मिलता है कि जो ये भगदड़ थी विचारों में, चीजें आपस में सेट नहीं हो रही थी, बैठ नहीं रही थी, एक को सुखी करने जाओ दूसरा दुखी होता है, दूसरे को करने जाओ पहला दुखी होता है ना, हम उसी में व्यस्त हो रहे थे। अब यह सब चीजें हमको स्पष्ट हो रही है इस पूरे प्रस्तावना के आधार पर, नहीं, इंटेंशन तो साउंड है, कॉम्पिटेंसी कमी है, आदमी देखो चूंकि सेंसेशन से या फेवरेबल फीलिंग से सुखी होने जा रहा है इसलिए उलझा हुआ है, तो मेरे कुछ कर देने से सुखी हो जाएगा ऐसा नहीं है, उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अब ये चीजें आपस में सकल हो रही हैं, उसका हमको सुख मिलता है। कई बार हमको लगता है ये समझना हो गया, ये समझना नहीं है, अभी तो ये वैचारिक स्पष्टता हो रही है, विचार के आयाम में स्पष्टता होती जा रही है, हम इसको चित्रित कर पा रहे हैं, ये भी एक आवश्यक भाग है, अगर इसको भी नहीं करेंगे तो आगे गति कैसे बनेगी। तीसरा काम हम ये कर रहे हैं कि उसको जांच कर देख रहे हैं अपने आप में, ऐसा है कि नहीं, तो वह स्पष्टता बनने के साथ हमको लगता है कि हाँ अब तो बात समझ में आ गई है ना। कई बार ऐसा भी होता है, हम लोग पंजाब में जाते थे वर्कशॉप करने के लिए, तो हमने पूछा मान लीजिए किन्हीं से कि आपके घर में या आपके कॉलेज में कितने लोग हैं, हाँ जी हमने इतने लोगों को वर्कशॉप लगा दी, अब ये सब ठीक हो गए, सुधर गए ना, तो ऐसा नहीं, तो हमने सुना, क्लैरिटी बनी है ना उसके प्रपोजल की, हमने उसके आधार पर कल्पनाशीलता को नियोजित किया, संयोजित किया, उसका हमको एक तृप्ति मिलता है, बट उसको जांच कर देखना हो सकता है शेष है। तो जब जांचते हैं तब जाके ब्लॉक B1 एक्टिवेट होता है, उसके पहले उसकी तैयारी है, प्रस्ताव को सटीक ढंग से सुन पाना, उसके आधार पर कल्पनाशीलता को व्यवस्थित कर पाना, उसमें फिर ये प्रेरणा बनती है कि इसको देखा जाए, इससे कम में तो फिर कुछ बात बनेगी नहीं, तो बहुत दिनों से बात सुन रहा हूँ मैं शरीर ये है क्या, मैं इसको देखना है, ये इंटेंशन कॉम्पिटेंस ये सही बात है नहीं है ना, इसको देखना, तो ये ब्लॉक B1 फिर हमारा एक्टिव होता है, और फिर उसके बाद हम भागीदारी भी कर रहे होते हैं। तो ये जांचने को पूरा करने के लिए भागीदारी भी आवश्यक है, संबंध में, व्यवस्था में, है ना,
जितना इतना करते हैं उतना आयाम खुलते हैं, नहीं तो पता चला कि विचारों में कुछ चीजों को हम मानकर जी रहे हैं हमें पता भी नहीं। जब उसका एक्सपोजर मिलता है जीने में तब वो खुलता है कि अच्छा यहाँ फंसे हुए थे, यहाँ उलझे हुए थे। जी ऐसा रहता है जी भैया, थैंक यू, क्योंकि आप सही बोल रहे हैं, जब हम लोग जीने में जाते हैं तो वहां से डावाडोल होने लग जाते हैं, विचार में है और जीने में कुछ तो समझना नहीं है। तो जी, विचार में अगर डावाडोल हो रहे हैं तो वैचारिक स्पष्टता भी और काम करना पड़ेगा। तो ये डायग्राम उन्होंने सामने रख कर डिस्कशन किया भी था, तो ब्लॉक B1 वो कह रहे हैं सही समझ का आयाम है। और इसके बाद तो होने वाले अगर इच्छा को देखें तो अब संबंध की इच्छा होगी, व्यवस्था की इच्छा होगी, अस्तित्व की इच्छा होगी, और उसी आधार के भाव बनेंगे। तो अब हमारे अंदर जो भी इच्छा विचार आशा चलेगी इन्हीं भावों के साथ होगी। उसके पहले देखे तो ये सब उल्टा पुलटा है ना, मान्यताएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं बना ली हमने, गहरे गहरे संस्कार बना लिए, संवेदनाओं का गहरा गहरा अभ्यास बना लिया कि नहीं, कभी कभी सहस्वीकृति भी काम करती है। तो अभी हो सकता है हमारे जीने की हालत वैसी जैसे कुछ नीचे लिखा हुआ है। चाहते ही है कि ऊपर का है ना, ऊपर की क्रियाएं जो है जागृत हो जाए, अनुभव का आयाम जो है ज्ञान का आयाम जागृत हो जाए। तो उसके लिए अभी हम लोग पूरे प्रस्तावना को भी और ठीक से सुन रहे हैं। तो जैसे UHV इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में थोड़ी बात सुनी, UHV 2 में और थोड़ी बात सुनी, उसमें एक्टिविटीज और ओपन हुई सेल्फ की, अब उन एक्टिविटीज के साथ कुछ और हमने कनेक्ट किया। अब आगे के लिए है, अब देखिए क्रिया पे काम करने की जरूरत है, चिंतन क्रिया पे, बोध क्रिया पे, अनुभव क्रिया पे, है ना। तो परंपरा में लोगों ने बहुत सारा काम भी किया है इन क्रियाओं को लेकर कि नहीं, तो उसको हमको ठीक से और ऑब्जर्व करना है, भाव स्पष्ट हो जाए, संबंध स्पष्ट हो जाए, व्यवस्था स्पष्ट हो जाए। तो इस पे अब हम अभी हम लोग नीचे से ऊपर क्यों जा रहे थे, ऐसा हो सकता है कि पहले जीने का स्तर आशा ही था, बस कुछ हो जाए, मिल जाए, है ना, कुछ बात बन जाए, लाइफ बन जाए, ऐसा हो जाए। तो अभी पाएंगे हो सकता है पहले हमारी स्थिति कुछ ऐसी थी कि कुछ हो जाए, कुछ घटित हो जाए जिससे मैं सुखी हो जाऊं, पूरे समय ऐसा ही कुछ लगा हुआ था अपने आप में। थोड़ा उसे ऊपर उठे, एजुकेशन का इसमें मेजर रोल रहता है, तो हम विचार वाले भाग को पुष्ट करते हैं। तो ये आशा से ऊपर उठकर विचार वाले भाग में जीना शुरू करते हैं, बहुत सारे थियरी हाइपोथेसिस है ना, परिभाषा भाषा ये सब हमने पढ़ा, उससे बहुत सारा विचार करने लगे, जिम्मेदारियां आई तो और विचार करने लगे, फिर उसके ऊपर है ना, यदि हमारे साथ कोई हमारे सामने कोई सही प्रस्ताव आता है तो फिर हम उस चित्रण वाली क्रिया पे भी ठीक से काम करते, पहले भी कर रहे थे बट अब ठीक से उसको काम करना शुरू करते हैं। तो ये नीचे से ऊपर जाने में भी अपने को समय लगता है, अब ऊपर वाली क्रियाओं पे भी अपने को बारीकी से काम करना, एक बार ये कल्पनाशीलता थोड़ी निश्चित हो जाए, कल्पनाशीलता में अंतर विरोध कम हो जाए, अंतर द्वंद्व कम हो जाए, और इस बात की तैयारी बन जाए कि हमको देखना है, तो फिर देखने समझने का काम शुरू होता है। उससे पहले इसके लिए हम कुछ अनुमान बना के रखते हैं, इसके लिए हम कुछ तैयारी अपने आप में कर रहे होते हैं, तो ये देखने का काम शुरू होता है। एक सवाल ये है कि दिनचर्या को हम संस्कार का नाम दे सकते हैं क्या? उस दिनचर्या के पीछे जो भाव है, उस भाव के पीछे जो मान्यता है जी, है ना, उसको संस्कार, जैसे सुबह उठना है, क्यों उठना है, हाँ हाँ, उसके उद्देश्य चाहिए, हाँ, तो हो सकता है आप कुछ चीज हमने मान ली है जी, ये तो इसलिए सवाल उठा, उठ रहे हैं, दो लोग सुबह उठ रहे हैं, दिनचर्या समान दिखाई दे रही है, हाँ, वो दिख रही है, भाव अलग है, मान्यता अलग है जी। ये सवाल इसलिए उठा कि मेरे जनरेशन में मेरे दादाजी सुबह 4 बजे उठते थे जी, और उठने के बाद वो एक्सरसाइज करते थे, बाकी बच्चों को जो जगाते थे उनका एम पढ़ने का था, यानी जगाते थे सुबह और पढ़ाई करने का एम था उनका, तो उसको हम जो दिनचर्या बनी है हमारी, तो उससे सुख दुख दोनों भी होता है। हाँ, कुछ लोगों को सवेरे अगर जगा दिए तो उनको दुख होता है कि हमको और 2 घंटे सोने को मिल सकता था, और कुछ लोगों को सुबह अगर जगा दिए पढ़ने के लिए तो एक आध बार उनको पढ़ने से अच्छा भी लगता था, उनको सुख भी मिलता था। तो ऐसी चीजें यानी व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये सर। भाई तो सुबह उठने का प्रयोजन क्या है, हो सकता है हर व्यक्ति अपना अपना माना हुआ है जी जी, है ना जी,
इन मान्यताओं में जा सकते हैं। अगर हम एक सर्वे भी करें जी, जैसे आप एक सामान्य से सर्वे करें, 100 लोगों से पूछिए आप कितने बजे उठते हैं, बताएं क्यों उठते हैं, मतलब हर व्यक्ति का अपना ही रिस्पॉन्स है। जी जी, अलग अलग है वो जी। उसमें अगर वो सुखी होता है तो उसके लिए तो अच्छी बात हुई ना। देखिए दो बातें हैं, सुबह उठ के सुखी हो रहे हैं या सुखी होकर सोए थे और सुखी होकर सुबह उठे हैं। सही है। नहीं, अगर सुबह नहीं उठे तो दुखी हो गए, तो ये स्वतंत्रता है, बट आप सुखी रहते हैं उसके साथ, आप शरीर चलाते रहते हैं। जी जी, तो 10 मिनट ऑब्जर्व करेंगे, फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इन 10 मिनट में हमें अपने मान्यताओं को, संस्कारों को थोड़ा देखना है ना। तो पहले हम लोगों ने ये कहा कि विचार के पीछे भाव को देखा, भाव जो भी बन रहा है हमारे अंदर, आप उसमें भी जाके तह में देखिए हमने क्या माना हुआ जिससे ये भाव बन रहा है। यहाँ पर यदि कोई शेयर करें कि कोई गहरा संस्कार उनको देखने में आया तो उपयोगी होगा सभी के लिए। इसको अपने आप में ऑब्जर्व करें, इस काम को हम सतत रूप से करते रहें। तो जैसे भाव के प्रति सजग होना, इसका हम अभ्यास कर रहे थे, अब उस भाव के पीछे संस्कार को देखना, तो कई बार उसके लिए आपको विचारों का भी प्रयोग करना पड़ेगा कि अगर ऐसा कुछ है तो ये संस्कार है हमारा, और उसको देख पाना, अपनी मान्यताओं को देख पाना। कई बार होगा कि है ना, आप उसको स्किप कर जा रहे हैं, घंटों तक उसको ठीक से आप ऑब्जर्व करते हैं, विश्लेषित करते हैं, तो कहीं जाके दिखाई देता है, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो इसको हम ऑब्जर्व करें अपने आप में। हाँ जी भैया, मैं जैसे अभी ये कई दिनों से ये सुन रहा हूँ, अटेंड कर रहा हूँ इसको, तो अभी मैं खेत में काम कर रहा था, तो जब ये स्लाइड लगी मैं के द्वारा मैं को देखने वाली, तो जैसे मैं आंखें बंद करके बैठ गया तो मेरा खुद पे तो ध्यान मतलब जा ही नहीं पा रहा है, बहुत ही कम जा पा रहा है। और इधर उधर जैसे खेत में क्या हो रहा है, अभी मेरे को क्या काम करना है, दिन में क्या काम करवाना है, सहयोगी से क्या करेंगे, तो मतलब मैं पे खुद पे जा ही नहीं रहा है। काफी दिन हो गए ये करते हुए, कभी मतलब परिवार पे चला जाता है, कभी आगे भविष्य बच्चे क्या करेंगे वहां पे चला जाता है। इसको कैसे मतलब नियंत्रण तो नहीं कहेंगे, कैसे मतलब इस पे काम करें कि इस पे ध्यान चला जाए भैया? वही तो, अभी हमको इन्हीं चीजों में सुख लग रहा है, इसलिए ही प्रायोरिटी बनी हुई है, खेती अच्छी हो जाए, परिवार में ऐसा हो जाए, तो अभी हम उनको ही सुख मान रहे हैं, उतने को ही जिम्मेदारी मान रहे हैं। मूल रूप से देखें तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि परिवार में जितने मैं हैं, जितने मनुष्य हैं, उन सबके चेतन में विकास हो जाए। ये हम नहीं देख पाते हैं तो हम फिर उसका जो एक्सप्रेशन में बहुत सारी चीजें हैं जो कार्यक्रम है उसी में लगे रह जाते हैं। अपने बारे में भी अगर हमको ये ना दिखाई दे कि मेरा विकास इसी से है, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पाते, जो अन्यत्र कार्यक्रम चल रहे हैं उस पर हमारा ध्यान बना रहता है। तो हम स्वयं पे ध्यान देते हुए भी खेती कर सकते हैं, स्वयं पे ध्यान देते हुए भी बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं, स्वयं पे ध्यान देते हुए भी परिवार के उत्पादन कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। तो हमारे अंदर एक प्रायोरिटी बननी जरूरी है। तो अभी हम देखें उसको, लिस्ट करें, आप भी मान्यताओं को लिस्ट करें कि अभी हमने क्या क्या माना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लक्ष्य आपने बनाए होंगे, उसी आधार पर उसको एक लिस्टिंग करिए। क्या हमने ज्ञान को अपनी आवश्यकता के रूप में ठीक से पहचाना भी है कि नहीं? तो आगे जो करने का काम है अभ्यास रूप में, तो अगले 24 घंटों में आपके साथ घटने वाली सारी घटनाओं तथा दूसरे व्यक्तियों के साथ होने वाले आदान प्रदान में अपने भाव का मूल्यांकन करें और अपने आप से पूछें इन भावों का निर्णय का आधार क्या है, सही समझ या मान्यता, जो सही समझ के अभाव में हमने बना ली है। क्या मुझे सही समझ की आवश्यकता दिखती है? अपने भावों को सही समझ के आधार पर तय करने की आवश्यकता दिखती है? अपने ऑब्जर्वेशंस को जर्नल में नोट करें। तो ये भाग तो रहेगा ही आवश्यकता को पहचानने का, दूसरा अपने संस्कारों को देखने का, उसको आप लिखना शुरू करेंगे काफी उपलब्धिपूर्ण रहेगा। अगर आप एक संस्कार से भी निवृत्त हो पा रहे हैं ना अपने ध्यान देने से, अपने ऑब्जर्व करने से, तो आगे आपके जीने में एक क्वालिटेटिव शिफ्ट दिखाई देगा। जैसे कल हम लोगों ने कई सारे उदाहरण लिए थे, कई बार हम ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, हम कोई नियम बनाते हैं, लोग नहीं चल रहे, हम परेशान होते हैं, तो हमारा एक संस्कार बन गया है कि अगर मैंने कोई नियम बनाया तो सबको मानना ही चाहिए। परिवार में देखें तो हमको लगता है कि मैंने कोई बात कही तो सबको ऐसा करना ही चाहिए, तो सभी मेरे अनुसार चलें या सभी सही के अनुसार चलें,
क्या सहज रूप से स्वीकार होता है, चाहे कॉलेज की बात हो, संस्था की बात हो, परिवार की बात हो। तो कई बार हमको लगता है सभी मेरे अनुसार चले, ये गहरा संस्कार है। सभी सही के अनुसार चले ये ठीक हो सकता है। अब ये एक छोटा सा ही संस्कार है, बट आप पाएंगे इससे बहुत सारा विरोध होता है हमारे अंदर। फिर उस विरोध को हम एक्सप्रेस करते हैं, फिर अगले के अंदर विरोध होता है और बात का बतंगड़ हो जा सकता है। छोटी सी बात है ना, बहुत बड़ी घटना तक का रूप ले सकती है। जब जेल में कैदियों के साथ वर्कशॉप करते हैं हम लोग, तो दिखता है कि बात बहुत छोटी सी थी, किसी पॉइंट पे बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते हिंसा तक पहुंच गई। तो ये हमारे साथ भी सकता है, हम भले ही एक्सप्रेशन में हिंसा ना कर रहे हो, बट भाव विचार में बहुत सारा हिंसा कर डालते होंगे। तो गहरा संस्कार है कि दूसरे को मेरे अनुसार चलना चाहिए, अब उससे निकल कर आ गया ये, है ना। तो ऐसा पाएंगे हमारे अंदर बहुत सारे गहरे संस्कार मिलेंगे, बहुत सारी गहरी मान्यताएं मिलेंगी। इस पर आप काम करना शुरू करें, इसको नोट करना शुरू करें, इसको अपने जर्नल में नोट करके रखें। हो सकता है कि एक संस्कार से उभरने में आपको 10-10 साल भी लग सकता है, क्वाइट पॉसिबल। भैया, अगर भाव में विरोध है तो क्या ऐसा मानना है कि मतलब वो जरूर कोई मान्यता का इशू है, मतलब कोई विरोध के पीछे कोई मान्यता ही होगी, समझ में तो विरोध हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो यानी कि अगर भाव में विरोध है तो मान्यता की तलाश करनी ही होगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें क्या, अभी हमने माना हुआ है कि दूसरा मुझे दुखी करना चाहता है। जी, मूल में तो या हमने अच्छा माना हुआ है कि दूसरा समझ नहीं सकता। अच्छा, ऐसे बहुत से मान्यता काम कर सकते हैं। जी भैया, तो कई बार क्या हो रहा है कि ये तो पकड़ में आ रहा है कि विरोध है, है ना, लेकिन ये मान्यता पकड़ में नहीं आ रही कि उसका कारण क्या है। जैसे आज का ही था, तो आज जब मैंने सोचा तो मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है, तो मैं देखता हूँ कि मेरा उसके प्रति विरोध है और मेरा कोई मित्र है वो उसका एकदम भक्त है। अब इस विरोध को मैं देखता जाता हूँ, मेरे समझ में नहीं आता है इसको कैसे थोड़ा सा एड्रेस करें। ये अगला स्टेप है कि अगर ये मान्यता है, विरोध अगर हमको सहज से स्वीकार नहीं है, तो फिर स्वीकार क्या है उसको देखेंगे। तो जो सहज से स्वीकार है उसको समझने का मुद्दा क्या है इसको देखेंगे। अच्छा, ठीक है। फिर तो मतलब विरोध तो दिखता है कि विरोध है, यहाँ तक तो दिख रहा है, विरोध का कारण नहीं क्लियर हो रहा है। कभी कभी क्लियर हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। जी ठीक है भैया, थैंक यू। बढ़िया भैया, तो अब हमें इस बात को जितना गहराई से ऑब्जर्व करेंगे, स्वयं में समझने की आवश्यकता और स्पष्ट होगी, है ना। और इसको हम विधिवत करते चले, तो अपने संस्कारों को देखते चले। पहले हो सकता है कि हमको ऊपर ऊपर के संस्कार ही दिखाई दें, जिसको हम आसानी से कह पाते हैं, सहमत हो पाते हैं, बट गहरे में और बहुत सारे संस्कार काम कर रहे होंगे, उनको भी देखते चले कि नहीं। और जितने बारीकी से दिखाई देंगे, उतना आपको वहां पे अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता स्पष्ट होगी। ये देखो बीज रूप में बैठा हुआ है, इससे अंकुरित हुआ कोई भाव हमारा, उससे विचार में वो फैला, और फिर विचार में फैलते फैलते पूरा एक वटवृक्ष बन गया, और मैं उसमें जकड़ गया, और मैं उसे उलझा हुआ हूँ, लड़ रहा हूँ उससे। बट वो बीज रूप में दिख जाए तो वटवृक्ष बनता ही नहीं। तो मुझे समझने की आवश्यकता है और इस बात को देखने की आवश्यकता है कि मैं भी, मेरे अंदर जो भी भाव विचार चल रहा है उसका आधार क्या है, सही समझ या मान्यता। अब इसमें आप देखें तो आप अभी इस फेज में तो ठीक से लोकेट नहीं कर पाएंगे कि सही समझ है या नहीं, है ना, और ये मान्यता ही है या क्या है। तो उसको हम फिर लौट के देखेंगे अपने आप में कि हमें सहज से स्वीकार है कि नहीं। भैया, अभी ऐसा हम फील करते हैं कि जो हम चाह रहे हैं उसके अनुसार संस्कार जो बनाना है, बार बार वो संस्कार जो पुराना है वो बीच में आकर के बस वही प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। जैसे दिन भर के हम जो संवेदना से, जैसे सुख लेना, इसमें हमारा थोड़ा सा संशय यहाँ पे ये बनता है कि जो संवेदना से हम भाव के साथ दूसरे से सुख लेना चाहते हैं, तो उस भाव के सुख, उस भाव को दूसरा पर्सन उस भाव को नहीं पकड़ पाता है, लेकिन हम उस भाव को पकड़े बैठे हैं और उससे सुख की अपेक्षा रख रहे हैं। तो यहाँ पे एक संस्कार बार बार ये प्रॉब्लम जो दे रहा है कि सामने वाले में वो भाव नहीं है, लेकिन हम उससे अपेक्षा रखते हैं उस भाव की, और हमारे अंदर भाव
जो चल रहा है उससे सुख लेने के लिए, उस वो संवेदना वाला सुख, संवेदना का वो सुख है। तो ये संस्कार जो अंदर वाला देखने का काम जो है वो हम और गहराई से कैसे कर पाए कि उसको उस स्टेज पे देख पाए कि सामने वाले में भाव नहीं लेकिन मेरे में भाव है, तो उस भाव को सुनिश्चित बदलने के लिए, मतलब भाव को भी हम कैसे बदलें अपने अंदर कि अपेक्षा खत्म हो जाए। कि अभी हम संवेदना सुखी होने जा रहे हैं तो दिखे कि संवेदना सुखी होने जा रहे हैं, फिर हम उसको और देखेंगे कि अगर संवेदना से सुख नहीं होना है, निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं है, तो किससे है फिर? जैसे हमें कुछ खाना है ना, और हमारे अंदर कुछ संवेदना को लेकर एक प्रवृत्ति बनी हुई है, ऐसा ही खाना है, बहुत तीखा मसालेदार चटपटा खाना है फॉर एग्जाम्पल, तो अभी अगला व्यक्ति इसको बनाए, परोसे, खिलाए हमको, हमने अपेक्षा भी बना ली दूसरे से। अब दूसरे की अपनी समस्या है, उनको लगता है, अगले व्यक्ति को लग सकता है कि भाई इस व्यक्ति को तो खाली स्वाद के लिए खाना खाना है, देखते नहीं इतना कितना श्रम करना पड़ता है एंड सो ऑन, और भागीदारी भी नहीं कर रहे हमारे साथ भोजन बनाने में फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो उनको संबंध को लेकर जो समस्या हो रही है वो उनकी कल्पनाशीलता में चल रहा है, और हमने ये अभ्यास बनाया हुआ है, हमारे अंदर एक संस्कार गहरा बना हुआ है इसके लिए, संवेदना सुखी होने के लिए, और उसमें हम मसालेदार भोजन खाने के लिए तैयारी चाह रहे हैं। तो हम इसको अपने आप में देखेंगे कि अल्टीमेटली मसालेदार भोजन में लेता हूँ उससे क्या होता है। अगर आप इसको बारीकी से देखेंगे, जिसको हम लोग अभ्यास दो में स्टडी करेंगे, तो एक सूचना मिलती है मुझे, मसाले की सूचना मिली, ठीक, उस सूचना को मैं अर्थ देता हूँ। तो आपको जितना बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे, आप पाएंगे कि जो भी हमें शरीर से मिल रहा है वो महज एक सूचना है, स्वाद भी एक सूचना है। उस सूचना को मैंने इतना महत्वपूर्ण बना लिया कि उसके लिए मैं संबंध खराब कर लेता हूँ, शरीर खराब कर लेता हूँ, समाज को खराब कर देता हूँ, प्रकृति को खराब कर देता हूँ एक सूचना के लिए, जबकि वो सिर्फ एक सूचना है। इतनी बारीकी से हम देख पाते हैं तो उसे फिर उस पर काम कर पाते हैं कि अच्छा ये मामला है, इस सूचना से तो न तो सुख की निरंतरता है, न निश्चितता है, बल्कि उसे और दुख खड़े कर रहा हूँ मैं अपने लिए, संबंध खराब कर रहा हूँ, समाज को खराब कर रहा हूँ, प्रकृति को खराब कर रहा हूँ। तो इतने होश से देखेंगे तो हम फिर इस अर्थ को सही ढंग से प्लेस कर पाएंगे, जो अभी हमने सूचना के साथ सुख को जोड़ लिया है, हम उसको ठीक से प्लेस कर पाएंगे, समझ के आधार पर प्लेस कर पाएंगे कि नहीं। जी भैया, यही संस्कार को बदलना, मतलब महत्वपूर्ण चीज यही आके खड़ी हुई कि संस्कार को बदलना है किसी भी, क्योंकि वही संस्कार बार बार परेशान कर रहा है, चाह तो रहे हैं वो नहीं पा रहा है, करने का प्रयास पूरा कर रहे हैं, बस बार बार फिसलन जो हो जाती है वो वहीं जाके कि ये संस्कार बदल जाए, मतलब हम भी उस संस्कार से परेशान हो। थोड़ा सा मैं इसको रिकवर कर लूं कि मुद्दा संस्कार को बदलने का भी नहीं है, है ना, अदरवाइज संस्कार से संघर्ष शुरू हो जाएगा, अपने आप में संघर्ष चलेगा, फिर तो तनाव और परेशानी की स्थिति बनेगी। मुझे संस्कार में परिमार्जन करना यानी समझना है, तो जिसके बारे में हमने कोई गहरी मान्यता बनाई है उसको समझेंगे, स्वाद क्या है उसको समझेंगे, शरीर क्या है समझेंगे, तो समझने को मुद्दा बनाना है, संस्कार के बदलने के नहीं। हमें ऐसा नहीं कि चुन चुन के करके संस्कारों को हमको बदलना है, नहीं, वहां पर जो समझने का मुद्दा है उसको पूरा करना है, समझना है। ठीक है जी भैया, अभी तक जी भैया अभी तक यही हो रहा था कि हम संस्कार को बदलने के लिए मेहनत कर रहे थे, क्योंकि उस संस्कार संघर्ष चलेगा काफी, मतलब कभी महसूस भी कर रहे हैं जी, महसूस भी कर रहे हैं हम कि हाँ संस्कार को बदलने में जो संघर्ष हो रहा है उससे मैं और परेशानी हो रहा हूँ, ये भी महसूस कर रहा हूँ, ये तो रियलिटी है, लेकिन बस यही कि वो संस्कार खत्म हो जाए तो मैं शायद सुखी हो जाऊंगा, ये मैंने मान्यता बनना मतलब अपने आप में बनी बैठी है, तो मैं बार बार यही सोच रहा हूँ ये संस्कार कैसे बदले। वही संस्कार बदलना मुद्दा नहीं है, समझना मुद्दा है, ये जो बात हो रही थी कि समझने की आवश्यकता है, स्टेप सिक्स में फिर हम उस पर और काम करेंगे, तो समझना मुद्दा है, संस्कार को बदलना मुद्दा नहीं है, वो तो उसका एक आउटकम है। हाँ, इतना जरूर है कि संस्कार को हम ठीक से पहचानेंगे तो वहां समझने के मुद्दे को भी ठीक से पहचानेंगे, जैसे उदाहरण लिया गया है ना, तो स्वाद एक सूचना है या क्या है इसको हम पहचानेंगे ठीक से, इसको देखेंगे समझेंगे जांचेंगे। जी सर, ये मैं पूछना चाह रहा था, ये ध्यान जो शब्द आता है, ध्यान किसको कह रहे हैं जरा इसको थोड़ा सा, ध्यान मतलब कि किसी वास्तविकता को हम अपनी कल्पनाशीलता में ला रहे हैं, जी इसको ध्यान करें, जैसे मैं संबंध है एक वास्तविकता है, अब मैं उसको अपनी कल्पनाशीलता में ला रहा हूँ, उसका मैं चित्रण कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ, तुलन कर रहा हूँ, आस्वादन कर रहा हूँ, चयन कर रहा हूँ, उसके साथ में जीतने का भी काम कर रहा हूँ,
तो शुरुआत तो कल्पनाशीलता से, कल्पनाशीलता में लेकर आते हैं उस चीज को। अब हमारे लिए एक मुद्दा है वो, जिस पर ध्यान दे रहे हैं, शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, तो शरीर में होने वाली संवेदनाओं को कल्पनाशीलता में लेकर आते हैं कि देखो क्या चल रहा है, ये उस पर ध्यान दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों क्या हुआ कि मैं बड़ी हूँ घर में, और भाई बहन जब कुछ बात बोलते हैं और उस बात पे मैं सहमत नहीं होती हूँ तो गुस्सा आ जाता है, या हम उनको डांट देते हैं। तो दो बातें हुई और जो मैंने उसमें सुधार किया, जैसे अभी भैया बोल रहे थे कि हमारा जो संस्कार है वो पुराना लौट कर आ जाता है, तो जो मैं अभ्यास कर रही हूँ वो मैं बताना चाह रही हूँ कि जैसे ही मैं गुस्सा करती हूँ फिर मैं ये सोचती हूँ कि मैं चाहती क्या हूँ, तो मैं सामने वाले में सुधार जाती हूँ। जैसे मेरी बहन को मैं समझाना चाह रही हूँ कि तुम्हें ये नहीं करना है क्योंकि तुम्हारे हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। तो पहले मैंने गुस्सा किया, फिर मैं दोबारा से उसको जांचती हूँ, फिर मैं उसको मतलब गुस्सा रोक कर उसको बोलती हूँ कि मुझे माफ करो और उसको समझाती हूँ। तो मैंने ये परिवर्तन देखा है कि जब हम एक बार दोबारा और हम निरंतर प्रयास करते हैं तो उसमें तब्दीली आती है। तो जब कभी भी मेरा पुराना संस्कार वापस आता है तो मैं हमेशा ये जांचती हूँ कि मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य अपने अंदर और सामने वाले में सुधार करना है या उस पर गुस्सा करना। मैं ऐसे जी जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल उसमें प्रयोजन को देखिए, आप देखिए कि चाहते क्या है तो स्पष्ट होगा, वो जो मान्यता हमने बना ली है वो हमको स्पष्ट होगा। तो आज के लिए हमारे लिए असाइनमेंट यही रहेगा जो सामने है कि एक तो हम देखें कि जो भी हमारे अंदर भाव है जिसका मैंने निर्णय लिया है उसका आधार क्या है, समझिए मान्यता, उसको अपने आप में ठीक से देखना है। और इस बात को भी अपने आप में देखें कि मुझे समझने की आवश्यकता है कि नहीं या सब ठीक ही है ना। एक सामान्य समस्या है कि धरती का हर मनुष्य अपने आप को समझदार मान के ही जी रहा होता है जब तक कि कहीं सेल्फ एक्सप्लोर करना शुरू ना करे तो हम अपने आप को समझदार तो मान ही लेते हैं, उनको लगता है हाँ मेरा विचार ठीक ही है कि नहीं। तो ये अपने आप में काम करना है और इसके साथ अपने संस्कारों को देखना है, उसको ठीक से पहचानना है, उसकी लिस्टिंग करनी है ना। और आप पाएंगे हर व्यक्ति का अपना अपना एक लिस्ट बनेगा और बहुत सारी चीज़ें जो आपके साथ बचपन से अभी तक घटित हुई हैं उन सबके साथ कुछ ना कुछ आपके अंदर कल्पना चली है, कुछ ना कुछ आपने विचार किया है, उस विचार के आधार पर आपने कुछ मान लिया है और एक संस्कार का रूप ले लिया है।